I start with the best name of Allah. Assalamu alaikum students. Welcome to ME Foundation School. How are you students? I hope you all are fine. This is your English book 5. Open your book, page number 28, unit 4. Helping others. Helping others mean दूसरों की मदद करना. Nazir and Neha were very happy. Happy कहते हैं खुश. Very बहुत. Were थे. नासिर और नेहा नाम है. नासिर और नेहा वर वेरी हैप्पी. नासिर और नेहा बहुत खुश थे. दे हैड सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी एंड हैड डिसाइडेड टू बाय सम नाइस गेम्स दैट दे कुड प्ले टुगेदर. सेव्ड कहते हैं बचाना. मनी पैसा. डिसाइडेड फैसला करना. नाइस अच्छे या अच्छा. प्ले खेलना. टुगेदर मिलकर. उन्होंने पैसे जमा किए थे और कुछ अच्छी गेम खरीदने का फैसला किया था जो वो मिलकर खेल सकते थे. नेहा वांटेड टू बाय अ बैडमिंटन नेट एंड रैकेट सो दैट दे कुड प्ले इन द यार्ड बिहाइंड देयर हाउस. नेहा बैडमिंटन नेट और रैकेट खरीदना चाहती थी ताकि वो अपने घर के पिछले सहन में खेल सकें. नासिर नीडेड टू सेव अ लिटिल मोर मनी टू बाय अ बाईसाइकिल. नासिर को साइकिल खरीदने के लिए ज़्यादा रकम की ज़रूरत थी. ही वॉन्टेड टू हेल्प हिज मदर बाय गोइंग टू द मार्केट टू बाय थिंग्स फॉर हर. वो चाहते थे कि उनकी वालदा मार्केट जाकर चीज़ें खरीदने में उनकी मदद करें. एज दे वर वॉकिंग बैक फ्रॉम स्कूल दे मेट देयर फ्रेंड ज़ाहिर. जब वो स्कूल से वापस जा रहे थे तो उन्होंने अपने दोस्त ज़ाहिर से मुलाकात की या मिले. हु वॉज नॉर्मली वेरी हैप्पी एंड चेयरफुल टूडे ही सीम्ड वेरी सैड एंड नेहा वॉज श्योर दैट ही वॉज ट्राइंग टू हाइड हिज फीलिंग्स. वो आमतौर पर बहुत खुश मिजाज था. आज वो बहुत उदास नज़र आया और नेहा को यकीन था कि वो अपने एहसास को छुपाने की कोशिश कर रहा है. व्हाट्स रॉन्ग आस्क्ड नासिर. क्या हुआ नासिर ने पूछा. नथिंग आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेरी वेल. कुछ भी नहीं मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा. मंबल्ड ज़ाहिर एंड वॉक्ड अवे क्विकली. ज़ाहिर घबरा गया और तेज़ी से चला गया. दैट्स स्ट्रेंज सेड नेहा. आई वंडर व्हाट इज़ बोदरिंग हिम. ये अजीब बात है नेहा ने कहा. मुझे हैरत है कि उसे क्या चीज़ परेशान कर रही है. व्हेन दे रीच्ड होम दे डिस्कस्ड ज़ाहिर्स पिक्यूलायर बिहेवियर विद देयर मदर. जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी वालदा के साथ ज़ाहिर के गैर मामूली रवैये पर तबादला ख्याल किया. ज़ाहिर्स मदर इज़ इन द हॉस्पिटल चिल्ड्रन. बच्चों ज़ाहिर की वालदा अस्पताल में हैं. सेड देयर मदर. उनकी वालदा ने कहा. आई एम श्योर ही मस्ट बी वेरी वरीड. मुझे यकीन है कि वो बहुत परेशान होगा. ही डज नॉट हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड हिज फादर वर्क वेरी हार्ड टू अर्न मनी. उसका कोई भाई बहन नहीं है और उसके वालिद पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. थैंक गॉड शी इज़ मच बेटर After the operation and should be home soon. खुदा का शुक्र है कि उनकी वालदा ऑपरेशन के बाद बहुत बेहतर हैं और जल्द ही घर आ जाएंगी. The next day नेहा एंड नासिर thought of a plan. अगले दिन नेहा और नासिर ने मनसूबा सोचा. ज़ाहिर was one of their best friend. ज़ाहिर इनका बेहतरीन दोस्त था. In the evening they went to see him. शाम को वो उससे मिलने गए. ही लिव्ड इन अ स्मॉल एंड सिंपल हाउस विद अ गार्डन दैट नीडेड लुकिंग आफ्टर. वो एक छोटे और सादा से मकान में रहता था जिसमें एक बाग था जिसकी देखभाल की ज़रूरत थी. वी नाउ यू आर वरीड अबाउट योर मदर. उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आप अपनी वालदा के बारे में फ़िक्रमंद हैं. इज नॉट देयर सम वे वी कुड हेल्प यू. क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम आपकी मदद कर सकें. इट्स नाइस ऑफ यू टू ऑफ़र. आपकी पेशकश अच्छी लगी. वी आर हैविंग गेस्ट फ्रॉम लाहौर नेक्स्ट वीक.
हमारे अगले हफ्ते लाहौर से मेहमान आ रहे हैं। जस्ट टू डेज आफ्टर माई मदर गेट्स बैक फ्रॉम हॉस्पिटल, सिर्फ दो दिन बाद मेरी वालदा अस्पताल से आ जाएंगी। एंड आई नो शी इज़ अपसेट दैट शी विल नॉट बी एबल टू हैव एवरीथिंग रेडी फॉर देम इन टाइम। और मैं जानता हूँ कि वो परेशान होंगी कि वो वक्त पर उनके लिए कोई चीज़ तैयार नहीं कर सकेंगी। That is what friend R4 said, Nasir. If you agree, we will all get together and work very hard to give your mother a great welcome. Nasir ने कहा, अगर आप agree हो तो हम सब इकट्ठे हो जाएंगे और आपकी वालदा का ज़बरदस्त है मुकदम करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। Please take permission from your father and then we can begin. बराए करम अपने वाले से इजाज़त लें और फिर हम काम की शुरुआत कर सकें। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 29। द नेक्स्ट डे नासिर बाउ टू कैंस ऑफ पेंट एंड आस्क्ड मिस्टर बाबर देयर नेक्स्ट डोर नेबर फॉर हेल्प। अगले दिन नासिर ने पेंट के दो कैन खरीदे और अपने पड़ोसी मिस्टर बाबर से मदद के लिए कहा। ही न्यू दैट मिस्टर बाबर हैड पेंटेड हिज हाउस लास्ट समर। वो जानते थे कि मिस्टर बाबर ने गुज़िश्ता मौसम गर्मा में अपने घर को पेंट किया था। टुगेदर दे पेंटेड द वॉल्स एंड द गेट। उन्होंने मिलकर दीवारों और गेट को पेंट किया। अ फ्यू मोर फ्रेंड्स गोट टुगेदर एंड क्लीन द गार्डन। और दोस्तों ने मिलकर बाग साफ किया। दे बोरोड अ लॉन मूवर एंड आल्सो कट द ग्रास। उन्होंने लॉन मूवर बोरो किया और घास भी काटी। नेहा एंड हर फ्रेंड्स क्लीन द हाउस फ्रॉम इनसाइड। नेहा और उसकी दोस्तों ने घर के अंदर की सफाई की। दे पुट सम फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड क्लीन एवरीथिंग अंटिल इट वॉज शाइनिंग एंड ग्लीमिंग। उन्होंने मेज पर कुछ फूल रखे और हर चीज़ को साफ किया और यहाँ तक के हर चीज़ चमक रही थी। द चिल्ड्रंस मदर बेक्ड सम बिस्किट्स एंड अ बिग चॉकलेट केक फॉर देम। बच्चों की वालदा ने उनके लिए बिस्किट और एक बड़ा सा चॉकलेट केक बेक किया। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 30। व्हेन ज़ाहिर्स मदर केम होम शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हाउ क्लीन एंड वेलकमिंग हर हाउस लुक्ड। जब ज़ाहिर की वालदा घर आई तो वो बहुत खुश थी अपने हैर मुकद्दम और घर को साफ सुथरा देखकर। यू हैव वंडरफुल फ्रेंड ज़ाहिर शी सैड। उन्होंने कहा, ज़ाहिर आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं। यू मस्ट आल्सो हेल्प देम व्हेन दे नीड योर हेल्प। जब उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत हो तो आपको इनकी मदद भी करनी होगी। नासिर एंड नेहा वर वेरी हैप्पी। नासिर और नेहा बहुत खुश थे। They had spent almost half the money they had saved. उन्होंने अपनी बचत की हुई तकरीबन आधी रकम खर्च की थी। But looking at the happiness on the faces of Zahir and his mother was the best present they could have got. लेकिन ज़ाहिर उसके वालदा के चेहरों पर खुशी देखकर उन्हें ये सबसे अच्छा तोहफा लगा। और बच्चों, ज़ाहिर सी बात है कि जब हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरे हमसे खुश होंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी होगा। आपने ये चैप्टर पढ़ने के बाद लाजमी आप हमें एक मोरल मिला है कि हमें भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे अल्लाह पाक भी खुश होते हैं और दूसरों को भी इससे हेल्प मिल जाती है और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 30। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। A complete sentence contain two parts, a subject and a predicate. एक मुकम्मल जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक होता है subject और दूसरा predicate. A subject tells whom or what a sentence is about. The predicate tells something about the subject. For example, my best friend subject है, lives near my house predicate है. The line subject है, roars very loudly predicate है. Lizard subject है, are reptiles predicate है. तो आए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज बी,
read the sentences and underline the subject and circle the predicates. आपने सेंटेंस में अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट और सर्कल करना है प्रीडिकेट्स. सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे और प्रीडिकेट्स को सर्कल करेंगे. नंबर वन, मंकीज लव्स बनानास. मंकी सब्जेक्ट है, लव बनानास प्रीडिकेट है. नंबर टू, शीला इज अ टीचर. शीला सब्जेक्ट है, इज अ टीचर प्रीडिकेट है. नंबर थ्री, मिस्टर सलीम इज गोइंग होम. मिस्टर सलीम सब्जेक्ट है, इज गोइंग होम प्रीडिकेट है. द क्रोकोडाइल इज अ डेंजरस एनिमल. द क्रोकोडाइल सब्जेक्ट है, इज अ डेंजरस एनिमल प्रीडिकेट्स है. नंबर फाइव, द बॉयज सब्जेक्ट है, आर इन द क्लास प्रीडिकेट है. एक्सरसाइज सी, एड ऑन टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस. आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपने कंप्लीट करना है. नंबर वन, द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल. नंबर टू, नासिर एंड नेहा वर वेरी हैप्पी. नंबर थ्री, जाहिर्स मदर इज इन द हॉस्पिटल. नंबर फोर, द प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट. नंबर फाइव, द क्रिकेट टीम इज गोइंग टू दुबई. नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 31, एक्सरसाइज डी. Identify the subject, verb and object in each sentences given below. यहाँ पर आपको कुछ sentences दिए गए हैं जिनमें आपने subject, object और verb choose करना है कि subject क्या है, verb क्या है और object क्या है. Number one, the boys are playing football. The boys subject है, playing verb है, football object है. Saira is eating ice cream. सायरा सब्जेक्ट है, ईटिंग वर्ब है, आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है. नासिर पेंटेड द वॉल. नासिर सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है, द वॉल ऑब्जेक्ट है. ताहा गेव द वॉल टू रिजा. ताहा सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, रिजा ऑब्जेक्ट है. नंबर फाइव, माई ब्रदर बाउट अ न्यू कार. माई ब्रदर सब्जेक्ट है, बाउट वर्ब है, न्यू कार ऑब्जेक्ट है. एक्सरसाइज ई, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय एडिंग द करेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. अब इस बॉक्स में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनसे आपने इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. द हॉर्सेस पुल्ड द कार्ट. नंबर टू, मिस्टर जमाल टीचेस इंग्लिश. नंबर टू, मिस्टर जमाल टीचेस इंग्लिश. नंबर थ्री, शीला सेल्स ट्वाइस. नंबर थ्री, शी सेल्स ट्वाइस. नंबर फोर, राबिया कंप्लीटेड हर होमवर्क. नंबर फाइव, असद वोरा कोट. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका बुक वर्क कंप्लीट हुआ. वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन सेकेंड और वीकली होमवर्क असाइनमेंट 9, क्लास 5, टास्क 1, रीड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट 4, हेल्पिंग अदर्स. बुक वर्क पेज नंबर 31 एंड 32. नंबर टू, वोकैबुलरी. नंबर थ्री, मेक सेंटेंसेस. नंबर फोर, फिलिंग द ब्लैंक्स. नंबर फाइव, क्वेश्चन आंसर्स. नंबर सिक्स, एक्टिविटी एंड राइटिंग पैराग्राफ. टास्क वन, रीड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट 4, हेल्पिंग अदर्स. जी स्टूडेंट्स, आपको ऊपर रीडिंग करवाई जा चुकी है और इसका बुक वर्क भी करवा दिया गया है. सबसे पहले आपने सेकेंड टर्म का टाइटल पेज बनाना है. उसके बाद फिर आप यूनिट 4 हेल्पिंग अदर्स का टाइटल पेज बनाएंगे. डेट मेंशन करेंगे जिस दिन आपने काम स्टार्ट करना है. टास्क 2, वोकैबुलरी. आइए देखते हैं कैसे करनी है. आपने डेट मेंशन करनी है. ब्लू कलर से यूनिट 4 लिखेंगे. चैप्टर नेम वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग ब्लू कलर से डालेंगे. वर्ड्स ब्लू कलर से शो करेंगे और मीनिंग पेंसिल से. तो आए पढ़ते हैं. नेबर, पड़ोसी या हमसाए. नंबर टू, परमिशन, इजाज़त. ऑफर, पेशकश. वरी, परेशान. गार्डन, बाग. फीलिंग्स, एहसास. मनी, पैसा. हॉस्पिटल, अस्पताल. समर, गर्मी. हाउस, घर. नाउ नेक्स्ट, टास्क 3, मेक सेंटेंसेस. आइए देखते हैं कैसे करने हैं. मेक सेंटेंसेस की हेडिंग ब्लू कलर से देंगे.
वर्ड सेंटेंसेस की हेडिंग भी ब्लू कलर से देंगे, वर्ड्स ब्लू कलर से शो करेंगे और पेंसिल से सेंटेंसेस बनाएंगे। आइए पढ़ते हैं। नंबर वन, हाउस, माय हाउस इज वेरी बिग। नंबर टू, गार्डन, गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल। नंबर थ्री, हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल इज वेरी बिग। नंबर फोर, समर, आई गो टू समर कैंप। नंबर फाइव, मनी, आई हैव सम मनी। नाउ नेक्स्ट, टास्क फोर, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, नेहा एंड नासिर वर वेरी हैप्पी। नंबर टू, नेहा वांटेड टू बाय अ बैडमिंटन नेट। नंबर थ्री, जाहिर्स मदर वॉज इन द हॉस्पिटल। नंबर फोर, मिस्टर बाबर हैड पेंटेड हिज हाउस लास्ट समर। नंबर फाइव, नेहा एंड हर फ्रेंड्स क्लीन द हाउस फ्रॉम इनसाइड। नाउ नेक्स्ट, टास्क फाइव, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर के हेडिंग ब्लू कलर से शो करेंगे, क्वेश्चन ब्लू कलर से शो करेंगे और आंसर पेंसिल से। तो आइए पढ़ते हैं। नंबर वन, व्हाट डज नासिर वांट टू बाय। आंसर इज, नासिर वांट्स टू बाय अ बाइसाइकिल। नंबर टू, व्हाट डज नेहा वांट टू बाय। आंसर इज, नेहा वांट्स टू बाय बैडमिंटन नेट एंड रैकेट। नंबर थ्री, व्हाट डिड नासिर वांट फॉर हिज मदर। आंसर इज, नासिर वांटेड टू हेल्प हिज मदर बाय गोइंग टू द मार्केट टू बाय थिंग्स फॉर हर। नंबर फोर, व्हाई वाज जाहिर अनहैप्पी। आंसर इज, जाहिर वाज अनहैप्पी बिकॉज हिज मदर वाज इल एंड शी वाज इन हॉस्पिटल। नंबर फाइव, व्हाट डिड दे प्लान। आंसर इज, दे प्लान टू गेट टुगेदर एंड वर्क हार्ड टू गिव जाहिर्स मदर अ ग्रेट वेलकम। नाउ नेक्स्ट, टास्क सिक्स, एक्टिविटी, राइट फाइव क्वालिटीज शुड अ गुड फ्रेंड्स हैव एंड देन राइटिंग पैराग्राफ। एक्टिविटी, राइट फाइव क्वालिटीज शुड अ गुड फ्रेंड हैव। एक अच्छे दोस्त में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर वन, हेल्पफुल। नंबर टू, फ्रेंडली। नंबर थ्री, काइंड एंड केयरिंग। नंबर फोर, पोलाइट। नंबर फाइव, काम नेचर। नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 28, राइटिंग पैराग्राफ। आपको ये राइटिंग पैराग्राफ नज़र आ रहा है, आपने अपनी मर्जी से राइटिंग पैराग्राफ करना है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है और काम आपने साफ सुथरा करना है, काम करने के बाद आपने इसे याद भी करना है। नाउ नेक्स्ट, इंडेक्स, आपने इंडेक्स बनाना है। सेकंड टर्म की हेडिंग देंगे, यूनिट फोर, हेल्पिंग अदर्स, वोकैबुलरी, क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, वर्ड सेंटेंसेस, बुक वर्क। जितने पेजेस पर ये काम आया है आपने उतने पेजेस यहाँ पर शो भी। काम साफ सुथरा कीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट में। अल्लाह हाफिज़।